नेपोटिज्म पर करिश्मा ने कही बड़ी बात। सुशांत सिंह राजपूत केस में इंटरव्यू देने पर हुई ट्रोल। आखिर ऐसा क्या कहा करिश्मा ने जो सुशांत के फैंस को नहीं आया पसंद, चलिए बताते हैं आपको। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नेपोटिज्म को लेकर एक्टर्स अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं। करिश्मा तन्ना ने भी पिंकवेला के साथ रीसेंट इंटरव्यू में इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, सुशांत को लगातार काफी अच्छे रोल्स मिले, उन्होंने टीवी से इंडस्ट्री में कदम रखा था, उन्हें यहाँ सिर्फ अच्छे रोल्स ही करने को मिले। उन्होंने एक बार भी किसी नॉर्मल प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ ही काम किया, वो सभी ए लिस्ट अभिनेत्रियों के साथ। ये सिर्फ एक्टिंग के बारे में है कि कौन किस रोल के लिए फिट बैठता है, प्रोड्यूसर्स किसके साथ काम करना चाहते हैं, इतनी सिंपल सी बात है। मैं नहीं मानती कि इनसाइडर आउटसाइडर जैसा कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो करण जौहर कभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्राइव में काम नहीं करते, राजकुमार हिरानी सर उन्हें पीके में नहीं लेते। मैं जो महसूस करती हूँ वो ये है कि जब आप टीवी से फिल्म इंडस्ट्री में स्विच करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे स्ट्रगल करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि फिर मैं अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। ना तो मुझे आसानी से सक्सेस मिली है, ना ही मैं इसकी उम्मीद करती हूँ। आपको बता दें, इस इंटरव्यू को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है करिश्मा। फैंस को लगा कि करिश्मा प्रोड्यूसर्स की साइड ले रही है, ना कि सुशांत की। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में फिलहाल बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस इस केस की जांच कर रही है। करिश्मा के इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए टेली मसाला।